देखो एक लेडीज को बाबू हुआ बाथरूम में, मैंने लोग इसको संभाले हैं, कोई लेडीज कोई काम का नहीं है। लेडीज लोग भी आया था तो लोग देख के भाग गया, मैं हिजड़ो होकर के मैंने संभाल दिए। ये बात को देख लो आप लोग, हम लोग दिल में रहम है, रहम है। बेचारी डर से मर रही थी, मैंने क्या उसको बच्चा करवाया बाथरूम में। सफाई बात सन्नत ट्रेन की बोगियों में जब किन्नरों का समूह ताली बजाते सामने आता है तो कुछ यात्री छींटे कसने लगते हैं। लेकिन सोमवार की शाम जन शताब्दी एक्सप्रेस में किन्नरों ने ऐसा काम किया कि यात्री ताली बजाने लगे। ट्रेन में लेबर पेन से करा रही महिला की मदद के लिए किन्नरों की टोली आगे आई और मदद की। हावड़ा पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस में एक गर्भवती महिला यात्रा कर रही थी और अचानक जसीडी से ट्रेन के खुलते ही उससे प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। इसके बाद किन्नर ही मदद को आगे आए। महिला यात्रियों से किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता देख ट्रेन में ताली बजाकर पैसा मांग रहे किन्नरों ने सहारा दिया, बाथरूम में ले जाकर प्रसव कराया। इसके बाद बच्चे को साफ किया। इतना ही नहीं, किन्नरों ने गर्भवती महिला को रुपये देने की भी प्रयास किया। हालांकि बच्चे के परिवार ने पैसे नहीं लिए। किन्नरों ने नवजात बच्चे को डॉक्टर बनने की दुआएं भी दे डाली। बाद में बाकी यात्रियों ने भी मदद की। किन्नरों की मदद से जच्चा और बच्चा की जान बचने की खबर ट्रेन में जंगल की आग की तरह फैल गई। कई लोगों ने किन्नरों के इस मिसाल को वीडियो में कैद कर वायरल किया। ट्रेन में बच्चे को जन्म देने वाली महिला यात्री की पहचान नहीं हो पाई। बताया जाता है कि वह हावड़ा से लखीसराय जा रही थी। वहां से उतरकर उसे शेखपुरा जाना था। वह शेखपुरा जिले की रहने वाली बताई गई। मदद पहुंचाने वाले किन्नरों ने वीडियो में खुद को झाझा के किन्नर सरदार सुमन नायक का शिष्य बताया। इसको संभाले हैं, कोई लेडीज कोई काम का नहीं है। लेडीज लोग भी आया था तो लोग देख के भाग गया, मैं हिजड़ो होकर के मैंने संभाल दिए। ये बात को देख लो आप लोग, हम लोग दिल में रहम है, रहम है। बेचारी डर से मर रही थी, मैंने क्या उसको बच्चा करवाया बाथरूम में। सफाई बात सन्नत रही है। यहाँ पे खा दीजिए, पूरा वीडियो बना से सुमन नायक का चेला हूँ। मैं अचल किन्नर बोल रही हूँ। हावड़ा पटना जन शताब्दी में इधर से मर रही थी, कोई देखने वाला नहीं था। मैंने देखे मियाँ, बच्चा का फोटो।